हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस आई होप आप सब लोग सही हो और सही तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो। सो गाइस हमने यहाँ पे आपका जो डीआई पे बेस जो आपकी सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, आज यहाँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो बेस है डाटा टेबल पे। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। हमने जेके बैंक के रिलेटेड एक कोर्स ऐप पे चल रहा है, ठीक है, उस ऐप पे जाके अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के अंदर एक एग्जाम की स्टडी करना चाहते हैं तो आप ऐप पे जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। कोर्सेज अवेलेबल हैं और साथ में मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो एग्जाम क्रैक कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। सो गाइस चलते हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन पे बेस्ड ऑन डाटा टेबल पे। इस क्वेश्चन में बताया गया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ये आपके सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट आपके यहाँ पे, 6 सब्जेक्ट। अब डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आपके, 6 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट आपको यहाँ पे गिवन है और ये क्या है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है ना। अब हर एक स्टूडेंट के यहाँ पे आपको मार्क्स गिवन है, लेकिन मार्क्स इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज है। आदित्य ने 98% ऑफ 100 स्कोर किया है, आदित्य ने 88% ऑफ 50 स्कोर किया, आदित्य ने 84% ऑफ 150 स्कोर किया, क्योंकि यहां बताया गया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है, लेकिन हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है तो ये सॉल्व होने में हमें इतनी डिफिकल्टी लाई नहीं करनी चाहिए। देखो बच्चे यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में आपको, हाउ मच मार्क्स डिड आदित्य गेट इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर। आदित्य ने सारे सब्जेक्ट में आपके टोटल मार्क्स कितने यहाँ पे लिए हैं। तो पहला हम क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आदित्य की बात की जा रही है ना। अब देखो यहाँ पे जो आपका आदित्य पर्सन है, मार्क्स स्कोर बाय आदित्य इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। देखो यहाँ पे क्या है, 98% ऑफ 100, 88% ऑफ 50, 84% ऑफ 150, 88% ऑफ 125, 64% ऑफ 150 और 68% ऑफ 50। आपको ये निकालना है, टोटल मार्क्स निकालना है, निकालो 98% ऑफ 100, ये कितना निकल के आएगा आपका, 98 ही निकल के आएगा, प्लस 88% ऑफ 50। बेटा 50 का मतलब है 1/2, देखो इसका मतलब है 1, इसका मतलब है 1/2, क्योंकि 50 क्या होता है आधा, ये 150 हो गया आपका 3/2, 125 कितना हो गया आपका यहाँ से, ये हो गया 5/4 है ना, और ये 150 कितना हो गया आपका फिर से 3/2, और ये कितना हो गया आपका 1/2। अब जो मार्क्स हैं आपको देखने हैं 98 × 1, 88 × 1/2, 84 × 3/2, इसी फॉर्म में देखने हैं, है ना। सेकंड क्या है इसके इंग्लिश के, वो कितने बनेंगे, 88 × 1/2 मतलब 44 मार्क्स, प्लस थर्ड है 3/2 × 84, 84 को 2 से डिवाइड करूंगा बनेगा आपका 42, और 42 × 3 करूंगा ये बन के आएगा आपका 126, कितना बनेगा 126, प्लस 5/4 ऑफ 84, अगर मैं 84 को 5 से डिवाइड करता हूँ ये आपका बनेगा 4 से डिवाइड करूंगा बनेगा आपका 22, इंटू 5 करूंगा तो बनेगा आपका 110, प्लस नेक्स्ट क्या आपका यहाँ से 3/2 × 64, 64 को 2 से डिवाइड करूंगा बनेगा आपका 32 × 3 बनेगा 96, प्लस लास्ट आएगा 1/2 × 68, ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 34, कितना बनेगा 34। अब देखो यहाँ से क्या है आपका, ऐड करो सभी को यहाँ, ये ऐड होके बन जाएगा आपका 130, कितना बनेगा 130, ये ऐड करोगे बनेगा आपका 170 और 130, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 300, प्लस उसमें करोगे 110 बन जाएगा आपका यहाँ 410। अब 410 प्लस 98 ये बन के आएगा आपका 508, तो 508 स्कोर किए हैं किसने, आदित्य ने आपके सारे सब्जेक्ट्स में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ रहा है इसका आपका यहाँ से राइट आंसर, ठीक है बच्चों। ये समझ आया आपको क्वेश्चन यहाँ कैसे करना है, सबसे पहले जब परसेंटेज की फॉर्म में पूछा होगा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, तो मल्टीप्लाई करते रहोगे आपका आंसर आराम से आ जाएगा ना। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्या यहाँ पे यहां बोला गया है कि व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट टुगेदर इन मराठी। मराठी में सभी स्टूडेंट ने टुगेदर मार्क्स लिए कितने हैं, एवरेज मार्क्स, लेकिन क्या बोला गया है एवरेज। सबसे पहले एवरेज लेना है तो आपको एवरेज के लिए 1/6 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 6 लोग हैं, 6 लोग का एवरेज क्या आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर विच इज इक्वल टू 6, है ना, ये आ गया 6। अब ऊपर क्या रहा बेटा आपका यहां से 50 का मतलब 1/2, मतलब सभी को ऐड करके आपने 1/2 से डिवाइड करना है, उसके लिए भी यहां पे 1/2 लगा लो, हो गया। अब ऐड करो 68 + 80, यहां ऐड करो कितना बनता है आपका बेटा 90 और 80 170, ठीक है, 170 आपका ये बन गया दोनों, ये बन गया आपका 170 ना, 170 और 72 × 68 ये बन गया आपका 140,
170 और 140 बन गया आपका 410, कितना बना 170 और 140 बन गया आपका यहां पे 310, कितना बना आपका यहां पे 310 प्लस 8 आपका और क्या यहां पे ऐड करने वाला 56 और 66, ये बनेगा आपका यहां पे 60 और 50, 110, 120, 22, 122 बन के आएगा आपका यहां से ऐड करके। तो निकालो यहां कितना रहा आपका, ये बनेगा 310 इंटू प्लस 122, ऐड करोगे 310 और 122, ये आपका बन जाएगा यहां से 432 अपॉन ये 6 इंटू 2 बन जाएगा 12, 12 से कट 6 से काटो यहां 2 जा, ये बनेगा आपका 7 जा 42 और 2 जा 1 सा, ये बनेगा आपका 36। तो 36 क्या आ रही है एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन मराठी विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर आया था आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव करते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स किसने यहाँ पे स्कोर किया है। आप देखो यहाँ पे क्या है, इसमें हाईएस्ट कौन है आपका आदित्य, इसमें आपका हाईएस्ट कौन है यहाँ पे राम, इसमें आपका हाईएस्ट कौन है यहाँ पे राम, ठीक है, इसमें आपका हाईएस्ट कौन है अनिल, इसमें आपका हाईएस्ट कौन है यहाँ पे हाईएस्ट आपका फिर से 84 है ना, और लास्ट में आपका हाईएस्ट है मतलब यहाँ पे जो राम है वो आपके तीन सब्जेक्ट में हाईएस्ट आ रहा है। तो इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन आपका आंसर कितना क्या आएगा राम, थर्ड क्वेश्चन आंसर क्या आ रहा आपका यहाँ पे राम स्कोर हाईएस्ट इन मोर देन वन सब्जेक्ट विच इज आपका एक, यहाँ वन आंसर आएगा ना, वन आंसर क्यों आएगा क्योंकि एक ही आपका ऐसा बच्चा है जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आपके हाईएस्ट मार्क्स ले रहा है। देखो इसमें हाईएस्ट किसने लिया आपका आदित्य ने, इसमें हाईएस्ट आपका राम ने, इसमें किसने राम ने, इसमें किसने लिया आपका इसने, ठीक है, और इसमें किसने लिया आपका हाईएस्ट यहाँ पे अगेन इसने, ठीक है, और इसमें किसने लिया आपका इसने। देखो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया, ठीक है, इन तीन में आपका ये आया और इसमें क्या आपका यहाँ पे ये, तो एक ही ऐसा बच्चा है जो आपके एक से ज्यादा सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स ले रहा है वो कौन है राम। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ओनली वन विच इज ऑप्शन नंबर क्या है बी, इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां क्या है आपका फोर्थ क्वेश्चन, क्या बोला गया है व्हाट इज संजय's ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट टुगेदर, संजय के सारे सब्जेक्ट में ओवरऑल मार्क्स कितने हैं हमें ये फाइंड आउट करने हैं। देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूछा गया, तो परसेंटेज फाइंड करनी है संजय की। सबसे पहले यहाँ पे संजय ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं 81, निकालो यहाँ पे ऐड करो, तो पहले बनेगा आपका यहाँ पे 81, क्या बनेगा आपका यहाँ पे 81 प्लस 40 प्लस 3 बाय 2 इंटू 84, ये बन के आएगा आपका 126 प्लस 5 बाय 4 इंटू 80, ये बनेगा आपका 100 प्लस 3 बाय 2 इंटू 78 39, बनेगा आपका 117 प्लस देन आपका 90 और 1 बाय 2 बनेगा 45 अपॉन, यहाँ पे टोटल मार्क्स करने हैं, टोटल मार्क्स कितने बेटा आपके 100, 150, 300, 425, 575 और 50 बनेगा आपका 625, कितना बनेगा 625 इंटू 100 परसेंटेज, इनको यहाँ ऐड करो आपस में 1, 2, 3, 317 और 26 बन गया आपका 343, 383, 384, 84 और 80 बन गया आपका यहाँ से 464 और 45 आपका बनेगा 509 अपॉन 525 इंटू 100 परसेंटेज, ये बन गया आपका यहाँ से, ये बनेगा आपका यहाँ कितना 4 जा है ना, और ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 25, 25 में 4 कम की 21 जा, क्या बनेगा 21 जा है ना। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करूँगा तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व नहीं भी करूँ 625 आएगा यहाँ पे, ये कितना आपका यहाँ पे 625 ना, 100, 150, 300, 400, 425, 475, 625, ठीक है आपका बन गया, ये बना आपका 25,000, तो मैंने आपका यहाँ पे 25,000, तो 509 इंटू 4 अगर मैं यहाँ पे करूँगा ये बन के आएगा आपका यहाँ से 200, 2036 अपॉन 25। अब देखो यहाँ सॉल्व करो, 1,000, 10, 20, 30, 40, 80, 80,000, 81,000, 81 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। तो मतलब आंसर क्या है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विच इज 81.44 परसेंटेज आपका आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। क्लियर बच्चों, ये चार क्वेश्चन आपको यहाँ समझ आए। अब देखिए यहाँ पे लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है हु हैज स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर, सारे सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स किसने स्कोर किए हैं। देखो यहाँ पे अगर
आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये वाला, तो इस फिफ्थ क्वेश्चन करने में आपको अकेले ही 5 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको देख के बताऊंगा कि इसका आंसर निकल के क्या आने वाला है। देखो यहाँ क्या है, अगर मैं महेश की बात करूँ तो महेश के सबसे कम मार्क्स होंगे, क्योंकि 69, 66, 866, ठीक है, 76, 72, 72, ये सबसे कम मार्क्स है इसके यहाँ पे ना, तो ये तो किसी कंपटीशन में लाई नहीं करता है। देन ग्रीश की बात करूँ, ग्रीश 86, 76, 64, 66, 56, ये भी कंपटीशन में लाई नहीं कर रहा है। लास्ट की बात करूँ 60, 66, ये भी कहीं पे कंपटीशन में आपका लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि तीनों वैल्यू आपकी कम हो गई है। अगर आप इसकी बात करो इन तीन की, तो ये तीनों आपके कंपटीशन में लाई कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि सभी की वैल्यू आपकी 80 और 90 में ही लाई कर रही है। अब देखो इन तीनों में आपका बड़ा कौन है, ये इन तीनों में बड़ा कौन है, ये इन तीनों में बड़ा कौन है, ये इन तीनों में बड़ा कौन है, ये दोनों इन तीनों में बड़ा कौन है आपका, ये इन तीनों में बड़ा कौन है आपका, यहाँ से ये, तो मतलब आपका राम जो है मैक्सिमम यहाँ बड़ा आ रहा है, तो हम गैस लगा सकते हैं कि जो राम है यहाँ पे वो क्या है, वो आपका सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर रहा है इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर। नहीं है तो आपको सभी की यहाँ परसेंटेज फाइंड करनी पड़ेगी, वो बहुत लंबा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उससे बेटर है क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करो, ऐसे आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट निकल के ही आएगा। तो आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे राम, राम विच इज ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्लियर बच्चों? सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास। ये डीआई था, थोड़ा आपका हाई लेवल का डीआई नहीं बोल सकते इसको, लेकिन हाँ फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे टफ था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको यहाँ समझ आया होगा। आप मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।